चौहान साथियों, संथाल टाइम्स में आपका स्वागत है। संथाल टाइम्स को प्रेषित आज के आलेखकार हैं रब नवाज आलम। होप फॉर कैंसर पेशेंट संस्था ने वृद्धाश्रम में वृद्ध को दिया हॉटपॉट वाटर बोतल व बेडशीट। बोतल बंद पानी से होने वाले कैंसर व अन्य बीमारी सहित कोरोना से बचने की भी जानकारी। होप फॉर कैंसर पेशेंट संस्था ने गुरुवार को कैंसर व कोरोना जागरूकता अभियान के तहत स्नेह स्पर्श वृद्ध आश्रम में 17 आश्रित वृद्धों को बेडशीट, हॉटपॉट वाटर बोतल व मिठाई का वितरण किया। संस्था की मैनेजिंग ट्रस्टी सीमा सिंह ने बताया कि एक बार किसी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने वृद्धा आश्रम की तस्वीर देखी, जिसमें आश्रित वृद्ध प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी वृद्धा आश्रम के सुपरिंटेंडेंट को आफताब अनवर से जानकारी ली। प्लास्टिक की बोतल में पानी रखना नुकसानदेह है, केमिकल रिएक्शन के चलते इससे कैंसर व अन्य गंभीर बीमारी हो सकती है। विशेषकर ठंड में इसमें आप गर्म पानी नहीं रख सकते और अगर आप गर्म या गुनगुना पानी रख रहे हैं तो वो इस्तेमाल में और भी ज्यादा खतरनाक है। सीमा सिंह ने बताया कि उन्होंने और जरूरतों के बारे में पता किया तो बेडशीट की कमी की बात सामने आई। बताया गया कि एक एक बेडशीट होने के चलते ठंड में परेशानी आ रही थी। बेडशीट धोने पर 2 दिन में सूखने की नौबत आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने हॉटपॉट वाटर बोतल व बेडशीट मुहैया कराया। इधर संस्था के गोपाल कुमार, विजय झा व रमेश कुमार साह ने वृद्धाश्रम पहुंचे वृद्धों के बीच वाटर बोतल व बेडशीट का वितरण किया। गोपाल कुमार व विजय झा ने प्लास्टिक के बोतल में पानी रखने व उसे पीने के नुकसान व हॉटपॉट वाटर बोतल के लाभ से सबको अवगत कराया। तो होता क्या है कि प्लास्टिक का जो इस्तेमाल होने से उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे कैंसर होने की संभावना होती है, और ये धातु का बना हुआ है, इसका इससे अगर आप ग्रहण करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं रहेगा। तो इसलिए, और दूसरी बात, ये इसमें बहुत देर तक जल गर्म रहेगा, तो आप लोग को सहूलियत हो इसलिए हमारी संस्था ने आप लोग के लिए ये गिफ्ट में भेजा है। ठीक है, तो आप लोग प्लास्टिक का उपयोग आज से नहीं करेंगे। इसमें आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, या कोई व्यसन वगैरह कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह या किसी भी प्रकार का जो व्यसन है वो आप लोगों को। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सहित अन्य एहतियात उपायों की जानकारी दी। सीमा सिंह ने वर्चुअल सभी वृद्धों का आशीर्वाद लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर वृद्धा आश्रम के सुपरिंटेंडेंट मो आफ्ताब अनवर, नीतू रानी, वंदना कुमारी, खालिद रजा, सुनील कुमार। थैंक्स फॉर वॉचिंग संथाल टाइम्स।